हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं और ये बन गए हमारे पोहे। पोहे का नाश्ता बनाया, पोहे रेडी हो गए हैं एंड हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे चाय और पोहे का नाश्ता और उसके बाद में दिन की शुरुआत। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सो कंटिन्यू रहे व्लॉग के साथ। दीप साहब ने पूजा कर ली क्या? आ जाओ फिर नाश्ता कर लो। यार मेहंदी लगाई, मेरी आंखें बंद हो गई थी, ऐसे हो गई। अच्छी लग रही, कलर अच्छा आया। हो गई नहा धो के रेडी। ये देखो मेरे पति देव को जो दीपसा, क्या हो रहा है दीपसा, क्या हो रहा है? कुछ पता भी नहीं। तो मुझे जाना है डेगाना वापस। आप लोग सोच रहे होगे कि रोज रोज डेगाना क्यों? क्योंकि हम लोग गए थे कृषा के कपड़े लेने के लिए, बताया था मैंने ब्लॉग में, दिखाया भी था। तो मैंने दिखाया क्यों नहीं कि कृषा के कपड़े, क्योंकि कृषा की फ्रॉक जो लेके आई थी मैं, वो आ गई बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ के अंदर, उसको नहीं आ रही है। वो बहुत ज़्यादा लूज लूज हो रही है और वो वैसे भी पतली है, सबको पता है, तो वो नहीं आई उसको सही से। कृषा एक मिनट दीदा, तो वो मैं एक्सचेंज कराने जा रही हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ देखना। और ये देखो ये सो रहे हैं। क्यों इस लड़की को देखो, ये भाग गई अंदर। हुआ क्या? तो मैं सब घूमती जैसी हो रही है। तो ये मेरा बैग हो गया पैक और उधर एक मोनिका का भी पैक पड़ा है बैग, और मेरा ट्रॉली बैग हो गया है खराब, इसलिए अब हमको दोनों लटकाने वाले बैग ही लेने पड़े हैं। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मम्मी के घर, सॉरी अहमदाबाद। तो ये ब्लॉग शूट हो रहा है अहमदाबाद के लिए और लगभग काम हो गया है और सब कुछ हो गया, बस वो लास्ट टाइम पे अब फ्रॉक रह गई है कृषा की। मैंने सोचा था घर में पहनाने के लिए एक दो ले चलती हूँ यहाँ से, वैसे तो वहीं पे मिलने वाली है, यहाँ पे तो मुझे मिली भी नहीं। दो फ्रॉक मुझे पसंद आई लेकिन दोनों, एक ज़्यादा छोटी आ गई और एक ज़्यादा बड़ी आ गई, एक फिक्स साइज़ की इसकी आई नहीं है, ठीक है। तो मैं वो एक्सचेंज करा के लाने वाली हूँ। फिर रात को गाड़ी है मेरी 8-9 बजे की, तो फटाफट काम करते हैं फिर निकलते हैं। तो ये कृषा की फ्रॉक जो कि मैं एक्सचेंज करवा के लेके आई, और ये न्यू सैंडल कृषा के। तो आज फिर मौसम हो चुका बारिश का, वही हवा चल रही तेज तेज खतरनाक वाली, और ये हमारे पौधे। अब मेरे को इन्हें, मुझे इनको अंदर रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर छोड़ के जाऊँगी तो बारिश से, क्या पता और बारिश आ गई, ओले वगैरह आए करे तो ख़राब हो जाएंगे। बट अच्छी ग्रोथ है ना ये वाला, ये जो था वो शोपीस का था ये, सो ये तो जल गया। अब पता नहीं ये वापस हरा हो जाए पानी पी पी के, तो पता नहीं। बाकी ये देखो तुलसी के लिए, मोगरा, मोगरा भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है ना, और सदाबहार भी बहुत बहुत मस्त है। वैसे मैं जाने वाली नहीं थी मम्मी के यहाँ पे, लेकिन मेरा सडनली प्लान बन गया, क्योंकि फिर वही बात है कि स्कूल वापस से स्टार्ट हो जाएंगे और मैं जा नहीं पाऊँगी। अभी कृषा की छुट्टियाँ हैं और कृषा की छुट्टियाँ हैं 12-13 जून तक की, तो मैं सोचा क्यों ना मैं 5-10 दिन घूम के आ जाऊँ। वैसे तो मुझे लगता है 10 तारीख तक, मुझे 10 से पहले ही रिटर्न आ जाऊँगी, मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रुकूँगी, क्योंकि यहाँ पर दीपसा के खाने वाले ने की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, और फिर मम्मी भी ज़िद कर रहे थे आ जा आ जा आ जा, तो मैंने सोचा क्यों ना 4-5 दिन घूम के आया जाए, इसलिए अब हम जाएँगे
इसलिए इन सबको मेन रीज़न तो यही है कि इनको अंदर रखने का, कि फिर बाहर धूप में पड़े रहेंगे, इनको पानी वानी कोई नहीं देगा, नीचे रहेंगे तो दीप्सा की नज़र में रहेंगे, तो दीप्सा फिर क्या इनको टाइम पर पानी वानी देते रहेंगे। चिड़िया कर रही चू 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 कर रही है इतनी जोर से, सुन ही नहीं दे रही है। ये यहाँ पे रख दो, यहाँ पे इसके बाजू में धीरे से। हाँ वेरी गुड, दो यहाँ रख दिए। ये हमारा एलोवेरा, एलोवेरा की अलग देखो कैसी हो गई। इनको इधर रख दो, टच सक रहे क्यों? जोर नहीं आते क्या? जोर होता है क्या? ऐसा कर लो, हो गया। अब सही है। हमारे मोगरा में तो रोज डेली दो तीन फूल लग जाते हैं। हाँ क्या खुशबू है, मतलब मजा आ जाता है। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, अब बस खाना खाएंगे। खाने में आज बनाया दाल बाटी, क्योंकि जाते जाते दीपसा को कुछ अच्छा खिला जाए, उनका फेवरेट खिलाया जाए, इसलिए हम लोगों ने दाल बाटी बनाई है। और ये कुछ दिनों के लिए मतलब लास्ट खाना साथ में, फिर वापस हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। कैसन बा? मस्त बा। अच्छी बनी मुन्ना? ये ऐसे बोलते हैं कैसन बा। तो सब हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी का टाइम हो गया है। दीपसा मुझे डांट रहे थे हमेशा लेट निकलते हो क्योंकि टाइम हो गया। टाइम क्या हो गया इसमें दिख नहीं रहा है, 8:19 हो गए हैं और 8:50 की गाड़ी है। ठीक है साहब, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। ठीक है जल्दी आना। हमारे जाने के पास झाड़ू पोछा ये सब काम आप ही करेंगे ना? अरे वाह, आपने तो क्या पहचाना है, क्या खूब पहचाना है आपने। डैडी झाड़ू दिखा लेंगे। डैडी अच्छा दीपसा याद आएगी हमारी? डार्लिंग ये तो है ना दिखावे के आंसू थे, और जो खुशी दिख रही है ना, आज आपका फेस जो ग्लो कर रहा है वो ऐसे दिख रहा है ना, सच में मैं बता नहीं सकती कि बाबा जी धुनी तब्बू के बेटा खाया जाने। खाया जाने वाला मतलब इतना खुश क्यों हुआ आदमी है, लुगाई ने पीर भेज है। मैं तो कोई कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है दीक्षा, आप अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हो मुझे। Are you excited? Are you excited? बीच खाने तो आ जाओ। अबे बीच तो ही खा। वो ट्रेन में लिए जा रही है। तो आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन। सबके पसीना आया जो देखो। गोली बना के रख दी है यार। मेरा भी ले लो। डैडी का कर रहा होगा। हमारे घर के साथ सो दीपसा कैसा लग रहा है आपको? अब लग कैसा आपको रहा है वो बताओ, हमें तो जो लग रहा है वो लग रहा है। हाँ तो मैडम ट्रेन आपकी जस्ट आने वाली है, और अभी आप
अगले 10 मिनट के अंदर यहाँ से डेगना से बन रही हूँ। थोड़ा सा नीचे झुको ना ऐसे, हाँ ऐसे। तो सब तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, और तब तक के लिए ध्यान रखना वो तो हमें पता है, हमें कैसे ध्यान रखना है, क्या रखना है ना। और देखना मेरी याद में दुबले मत हो जाना। क्या बात है, बड़ी मुश्किल से खिला पिला के मोटा किया है, तो प्लीज ध्यान रखना अपना और घर का भी। हम लोग बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। इनके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही है देखो तो सही, मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं तो जा रहे हैं, मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है। जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीजा साली का हमारा भी टाइम आएगा। ये जीजा साली का क्या, वो बिछड़ना बोलते हैं ना, इसलिए मैं इमोशनल हूँ, मैं आज कुछ बोल नहीं रही। कितनी इमोशनल हो रही है। तो अनाउंसमेंट हो चुकी है और हमारी ट्रेन जस्ट आने वाली है, तो आपको मिलेगा तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में जो मिलेगा आपको अहमदाबाद। तो अभी ट्रेन आ रही है, हम कर देते हैं विदा इनको। ठीक है, तो अब हमारी ट्रेन आने वाली है और हम लेते हैं। और यार कोई विदा पता है, बोलते हैं ना जब कोई जाते होते हैं तो वो विदाई के गीत गाते, वैसे कुछ गाओ यार। लड़की जाती है ना अपने। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और जो भी चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी जो मॉर्निंग वाला होता है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कमा गणिसा।